आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिकर, सब्सक्राइब नाउ। पिछले 8 वर्षों में पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने एक नए भारत का दर्शन किया है। बदलते हुए भारत ने दुनिया के सामने हर एक क्षेत्र में अपनी ताकत का एहसास कराया है और आज दुनिया भी इस बात को मानती है कि इस नए परिप्रेक्ष्य में आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अब दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता अर्जित कर चुका है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में दुनिया के 20 बड़े देशों G20 की अध्यक्षता भारत को प्राप्त होना उसी नई श्रृंखला का हिस्सा है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भारत ने जहां प्रगति की है, एक क्षेत्र जो सदैव उपेक्षित रहता था और वह था जिसके बारे में लोगों की दृष्टि नहीं जाती थी, लेकिन 8 वर्षों में खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, 8 वर्ष पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो कार्यक्रम पूरे देश के अंदर प्रारंभ हुआ, आज वह सांसद खेल महाकुंभ के माध्यम से गांव गांव में पहुंच गया है। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीट आती है, लगभग हर संसदीय सीट पर विगत वर्ष भी 2021 में सांसद खेलकूद महाकुंभ के माध्यम से ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ, उन्हें एक मंच मिला। और बस्ती में भी 2021 में इस आयोजन के साथ आदरणीय गृह मंत्री जी के साथ मुझे भी उस समय इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं एक बार फिर से श्री हरीश द्विवेदी जी और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इस खेलकूद प्रतियोगिता के दूसरे संस्करण के कार्यक्रम को आज यहां पर दूसरी बार जनपद स्तर की इस प्रतियोगिता के माध्यम से आगे बढ़ाने का जो कार्यक्रम प्रारंभ किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। श्री हरीश द्विवेदी जी को हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के अंदर खेलो इंडिया के माध्यम से जो प्रेरणा आपकी प्राप्त हुई, आज उत्तर प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में 58,000 ग्राम पंचायतों में खेल के मैदान बनाने की कार्रवाई चल रही है, जिनमें 34,000 ग्राम पंचायतों में अब तक खेल मैदान के लिए भूमि आरक्षित कर दी गई है और कन्वर्जन के माध्यम से उन्हें हम वहां पर खेल मैदान बनाने की कार्रवाई को अंतिम चरणों में ले चल रहे हैं। जनपद बस्ती में भी ग्रामीण क्षेत्र में 30 खेल मैदान निर्मित हो चुके हैं, 45 खेल मैदान बनाने की कार्रवाई कन्वर्जन के माध्यम से मनरेगा, ग्राम सभा निधि और शासन के द्वारा प्रदत्त की जाने वाली योजनाओं के माध्यम से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो प्रदेश के अंदर हर राजस्व गांव में प्रदेश सरकार ने आज अपने युवा कल्याण विभाग के माध्यम से युवक मंगल दल और महिला मंगल दल के गठन के साथ ही उन्हें स्पोर्ट्स किट भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई चल रही है और लगातार स्पोर्ट्स किट के माध्यम से गांव गांव में खेलकूद की गतिविधियों के प्रति हर तबके के लोगों में, विद्यार्थी हो, नौजवान हो या फिर अधेड़ उम्र के लोगों के बीच इसके बारे में एक जागरूकता पैदा हो,
इसको लेकर के खेलकूद विभाग और युवा कल्याण विभाग मिलकर के निरंतर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। प्रदेश सरकार ने आपकी प्रेरणा से ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ या विश्व चैंपियनशिप में जो भी खिलाड़ी मेडल प्राप्त कर रहे उन्हें भी प्रदेश सरकार प्रोत्साहन करने के लिए अलग से एक व्यवस्था बनाई गई है, जहां उन्हें हम लोगों ने प्रदेश के अंदर राजपत्रित सेवा में सीधे लेने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। वहीं प्रदेश सरकार ने यह भी व्यवस्था प्रारंभ की है कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल पर 6 करोड़ रुपए, रजत मेडल पर 3 करोड़ रुपए और कांस्य पदक पर 1 करोड़ रुपए की सहायता राज्य सरकार उन्हें करती है। प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को 10 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता उन्हें प्रतिभाग करने पर भी उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। एशियाड में यह राशि 3 करोड़, 2 करोड़ और 1 करोड़ की राशि राज्य सरकार मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को उपलब्ध करा रही है, तो कॉमनवेल्थ और विश्व चैंपियनशिप में 1.5 करोड़, 75 लाख और 50 लाख की सहायता उन खिलाड़ियों को उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। आज हम सबका प्रयास है कि राज्य के हरेक जनपद में स्टेडियम बने, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम बनाने की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है और निश्चित ही आपकी प्रेरणा से टोक्यो ओलंपिक में भारत के खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन है ओलंपिक और पैरालंपिक में, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के बावजूद भारत का सबसे बड़ा खिलाड़ियों का दल का वहां जाना और अब तक के सबसे अधिक मेडल का प्राप्त होना खेलो इंडिया की इस मूर्त भावना का वास्तविक रूप अब आगे दिखाई दे रहा है। सांसद, खेल महाकुंभ जमीनी स्तर से उन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का एक सशक्त माध्यम बना है। निश्चित ही समाज के प्रत्येक तबके को अपनी प्रतिभा को दिखाने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आज उत्तर प्रदेश के अंदर सांसद खेल महाकुंभ का यह शुभारंभ हो रहा है और ये अनेक संसदीय क्षेत्रों में कार्यक्रम इसके बाद प्रारंभ होने जा रहे हैं। आज आपने इसके लिए अपना बहुमूल्य समय दिया है, मैं इसके लिए राज्य सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से और बस्ती के जनपद वासियों और इन सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आपका एक बार फिर से इस खेल महाकुंभ के शुभारंभ के अवसर पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिकर, सब्सक्राइब नाउ।